हमारे संस्कृत में संख्या एक फाइव में भी आप पढ़े होंगे, एक से चार तक, संख्या एक से चार तक स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के हिसाब से अलग अलग होता है। एक से चार तक, अभी उसको हम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे बोर्ड पे। पांच से दस तक एक ही जैसा होता है, एक ही जैसा होता है, मतलब चाहे वो पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो नपुंसक लिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो एक ही जैसा लिखा जाएगा। लेकिन एक से चार तक स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग के हिसाब से संख्या का प्रयोग अलग-अलग होता है, ठीक है? या फाइव में भी पढ़े होंगे, सर ने जो भी पढ़ाया होगा, आप समझे कितना फाइव में, ये अलग बात है। सिक्स में भी पढ़ना है, सेवन में भी पढ़ना है इसको, तो आज हम आपको इसको समझा ही देंगे, है ना? आप फाइव में कितना समझे नहीं समझे वो उससे कोई मतलब नहीं, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर से कॉपी निकालिए और इसको लिखिए। देखिए सब पुलिस लोगे ठीक है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का नहीं करो और मिस कर देंगे, प्लीज कब करिएगा सर, तो हाँ। ब्लैक बोर्ड में कोई बातचीत नहीं, नहीं तो और म्यूट कर देंगे। ध्यान से सुनो, सर देखो ब्लैक हेलो बोर्ड नहीं दिख रहे, ब्लैक देखो ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहे सर। बोर्ड नहीं दिख रहा, नो ब्लैक सर, बोर्ड नहीं नहीं दिख दिख रहा है, फुल रहा। नो स्क्रीन, सर, फुल स्क्रीन पे ब्लैक बोर्ड तो आ रहा है, दिख रहा है। नहीं दिख रहा है कैसे? यस यस सर, आ रहा है, यस सर सर, आ आ रहा रहा है। सर आप म्यूट हैं। सर आप म्यूट हो गए। अब मेरी आवाज जा रही है? हाँ क्या यस जा रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि ये संख्या प्रयोग जो है इसको आप फाइव क्लास में भी पढ़े होंगे, जो भी सर आपको पढ़ाए होंगे, सिक्स में भी पढ़ना है, सेवन में भी पढ़ना है, एट में भी पढ़ना है, और यहाँ तक कि टेन में भी पढ़ना, नाइन में भी पढ़ना, ये कभी छुटकारा होने वाला नहीं है। और इसलिए पढ़ना है, सबसे फायदा क्या है कि बहुत चीज है, जिस चीज को आप फाइव में पढ़े सिक्स में पढ़े वही अगर टेन में पढ़ने को मिलेगा तो बच्चा के लिए इजी हो जाएगा, बोर्ड में नंबर अच्छा आ जाएगा, वो बच्चा पहले से पढ़ते आ रहा है, तो ये आप पहले से पढ़ते आ रहा है, फाइव में पढ़े और आगे भी पढ़िए। तो अब फाइव में आप कितना समझे, क्योंकि फाइव में हमारा संस्कृत स्टार्ट होता है, फाइव में बच्चा धीरे 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 सीखता है, ठीक है? अब आगे हम उसे देखें। अब पुलिंग में एक, पुलिंग शब्दों के लिए अगर हमको एक का इस्तेमाल करना है तो वहां पर लिखा जाता है एका, एका जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एका बालक, बालक शब्द पुलिंग है, सबको तो पता है आपको, एक बालक, तो पुलिंग कोई भी शब्द होगा पुलिंग, उसके लिए हमारा क्या होगा, एक एक का इस्तेमाल करिए, एक आप स्त्रीलिंग में एका, एका एका क्या कोई भी स्त्रीलिंग पद हम लिख सकते हैं, एका बालिका, एका माला, एका गीता, एका सीता, एका महिला, ठीक है? स्त्रीलिंग के लिए एक का इस्तेमाल किए तो एका, पुलिंग के लिए एक का, अब नपुंसक लिंग के लिए एक का इस्तेमाल होगा तो वो होगा एकम, जैसे एकम फलम, एकम पुष्पम, एकम पत्रम,
व्हाटएवर जो भी लिख सकते हैं हम, पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के हिसाब से, एका माने एक नपुंसक लिंग, एका माने एक पुलिंग का स्त्रीलिंग, एका माने एक पुलिंग, ये एक के लिए हो, ठीक है, एक के लिए, दो के लिए, दो के लिए, दो पुलिंग के लिए, पुलिंग में दो के लिए दो, दो है ना, दो बालकों है, यहां पर हम दूसरा क्या, दो गजाओ, दो वृक्षाओ, दो रामाओ, जितने भी पुलिंग शब्द हैं उसके लिए अगर दो हमको लिखना है तो दो लिखेंगे, दो स्त्रीलिंग के लिए द्वे, द्वे बालके, द्वे बालके है ना, द्वे बालके, अब नपुंसक लिंग के लिए दो के लिए भी द्वे ही होता है, ये दोनों से द्वे खाले पे कुछ भी लिख सकते हैं, पत्रे जो भी नपुंसक लिंग शब्द है, मित्रे फलम, एकम पुष्पम, एकम पत्रम है ना, कुछ भी दो के लिए ऐसे ही आप लिखेगा कॉपी में, जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे हम चार्ट बना रहे हैं ऐसे ही आप भी चार्ट बनाइए कॉपी में, तीन के लिए, तीन के लिए त्राया, त्राया मतलब तीन पुलिंग में, त्राया बालका तीसरा मतलब तीन स्त्रीलिंग में, तीसरा महिला बालिका नपुंसक लिंग में त्रिणी, त्रिणी माने तीन, त्रिणी माने तीसरा महिला, सर प्लीज साइड, हाँ लिख रहे हैं साइड हो रहे हैं, फलानी पुष्पानी कुछ भी मित्रानी त्रया मन तीन पुलिंग, तीसरा मन तीन स्त्रीलिंग, त्रीनि मन तीन नपुंसक लिंग, चार के लिए, चार के लिए चकवारा माने चार पुलिंग होता है, चकवारा चतवारा, चतवारा माने चार, किसके लिए पुलिंग के लिए, चतवारा बेदा वेद चार है, चतवारा बेदा चतस्रा माने चार स्त्रीलिंग में, ये याद रखना पड़ेगा इसलिए आज फोकस कर रहे हैं, कितना तुमको याद रखना पड़ेगा कि चतस्रा का यू चार किसके लिए स्त्रीलिंग के लिए, चतवारा माने चार किसके लिए पुलिंग के लिए, चतवारी माने चार किसके लिए नपुंसक लिंग के लिए, एक से चार तक स्त्रीलिंग पुलिंग नपुंसक लिंग के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होता है जो आपको याद रखना चाहिए, तदस्त्र महिला
सर प्लीज साइड बालिका लिख सकते हैं, कुछ भी जो हमको ब्लैकबोर्ड नहीं दिखता है। चलो चतुरी चतुरी फलानी चतुरी प्राणी। मित्र शब्द भी नपुंसक लिंग होता है संस्कृत में। एक दो तीन चार, ये चारों संख्या संख्यावाची प्रयोग में एक से चार तक अलग अलग है। सबको दिख रहा है ना? हाँ, नो सर। कोई बच्चा बोल दे रहा है बोर्ड नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं, बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है। और मैं यस सर। लिखा, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ, स्पष्ट लिखता हूँ, क्लियर लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा लिखावट बच्चा नहीं समझ सकता है। समझ आई हैव डन सर। ओके ओके फाइन, बहुत बहुत आई शुक्रिया। हैव डन। ये हुआ एक से चार तक, अब 5 से 10 तक सेम होता है, इसको मिटाएंगे तब उसको लिखते हैं। यही 10 तक पढ़ाएंगे आप, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन ये याद करने का बात है, इतना तुमको तो याद रखना पड़ेगा। एक दो तीन चार, एका एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रय तिस्र त्रिणी, चत्वारा चतस्र चत्वार, ऐसे याद रखिएगा तो आप भूलिएगा नहीं। ऐसे एका एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रय तिस्रा त्रीणी, चतवारा चतस्र चतुरा, मिटा दें, मिटा दें इसको। ठीक, यस सर। नो सर। हाँ लिखो लिखो लिखो, ठीक है भाई लिखो लिखो। सर मिटा दीजिए। देख भैया, यस मिटा सर। दे, अब यस मिटाया सर। जाएगा। मिटा रहा आप देखो, 5 से 10 के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सेम टू सेम, 5 से 10 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो चाहे स्त्रीलिंग रहे, पुल्लिंग रहे, नपुंसक लिंग रहे, सबके लिए एक ही लिए। 4 तक अभी आप लिखे, 5 6 7 8 9 10, ठीक है? 5 को संस्कृत में बोलते हैं पंच, 6 को संस्कृत में बोलते हैं सर्प, 7 को संस्कृत में बोलते हैं सप्त, 8 को संस्कृत में बोलते हैं अष्ट, 9 को संस्कृत में बोलते हैं नव, और 10 को संस्कृत में बोलते हैं, ये देखिए, ये सबके लिए वही है। अब उनको मान लिया 5 पुष्प लिखना है, पंचपुष्पाणि,
पांच महिला लिखना है, पंच महिला। पांच बालक लिखना है, पंच बालक। अब ये चाहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब में सेम होगा, है ना। अब हम पंच बालिका लिखते हैं, चाहे पंच भिक्षा लिखते हैं, चाहे पंच फलानी लिखते हैं। अब देखो इसमें एक सर पूरा 10 तक लिखना है कॉपी स्त्रीलिंग, क्या बोला बोलो फिर से। में, पूरा 10 तक लिखना है सर कॉपी में। हाँ, कॉपी में 10 तक भी आज पढ़ा रहा, 10 तक। ये एग्जाम्पल देखो बताएगी, पांच अगर स्त्रीलिंग के साथ है तो अपनी पंच बालिका, पंच वृक्षा, पंच फलानी, ये तीनों में पंच जोड़ेंगे वही पांच के लिए एक ही जैसे। एक एग्जाम्पल के लिए बोल, पुलिंग स्त्रीलिंग इसमें नहीं 5 से 10 तक बोले ना कि तीनों में सेम होगा, ये तो बोली थी कि सेम होगा, तो इसमें पुलिंग स्त्रीलिंग कुछ और है, सब में पंच का पंच। अब पंचे लिखे आगे, बाकी तो देखो तीन लिखा है, स्त्रीलिंग है सब में पंच ही होगा, तभी तो हम एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं कि इससे कोई चेंज नहीं, पंच सबके लिए ही होगा तीनों के लिए। उसी तरह छह कुछ भी छह लिखेंगे, चाहे वो पुलिंग का चाहे स्त्रीलिंग का, ना कुछ एक जैसे 7 एक जैसे, 8 एक जैसे, 9 एक जैसे। अब हम 9 फल लिखे, 9 फल, 9 महिला लिखे, 9 महिला, 9 पुरुष लिखे, 9 पुरुषा, देखियो कोई चेंज। ये 10 को 10 को देखिए, अगर हम 10 ऐसे लिख देंगे यानी दंती श से, तो ये हिंदी का 10 हो जाए, संस्कृत का 10 तालब श, ठीक है। ये केवल 10 के लिए, तो संस्कृत में जब एग्जाम में हम लिख रहे हैं संख्या, तो 10 को तालब स्वर से लिखेंगे। हम नंबर दे देंगे, कोई टीचर दे देगा, हम समझ जाएंगे बच्चा 10 ही लिखा, वो दंत स तालब स के आधार पर आपका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन जानकारी होना चाहिए, रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट इज राइट। राइट ये है कि संस्कृत में तालब स से, ये है तो दंत स से हिंदी का 10 है। नंबर मिल गया वो अलग बात है, जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप देखिए इसमें कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, पुलिंग स्त्रीलिंग सब एक ही जैसा रहेगा, कुछ भी आएगा वैसे ही लिखेंगे, एक हम आपको लिख के बता दिया है ना। पहले इसी में भी आया, हमके पास 6 गो फल है, फलानी लिखेंगे, 6 गो पुष्प है, पुष्पानी लिखेंगे, सर पुष्पानी, कोई चेंज नहीं। 6 आदमी कहीं एक जगह खड़ा है, दरा नर्मन आदमी, 6 महिला कहीं एक जगह है, महिला, कोई चेंज नहीं। अब आप यहां अपने से भी लिख सकते हैं, एक पुल्लिंग का उठा लीजिए, किस पुल्लिंग का उठा लीजिए, सब बहुवचन में लिखिएगा, क्योंकि 3 से मोर देन 2 कुछ भी दुनिया में होगा वो बहुवचन हो जाता है। हमारे संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक में एक हुआ, 2 में 2 हुआ, और बहुवचन में 2 से अधिक, चाहे वो 3 हो, 30 हो, 3,000 हो, 300 हो, वो सब बहुवचन हो गए, ठीक है। इसको लिखो, हाँ साइड प्लीज सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है।